कैसे हो? मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। एंड बेसिकली स्मार्टफोन मार्केट के लिए अभी जो है बहुत ही पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। सक्सेसफुली इंडिया में एक स्मार्टफोन का डिस्प्ले मैन्युफैक्चर फैब्रिकेशन यूनिट आपको देखने को मिल रहा है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग ने नोएडा में जो एग्जिस्ट उसका मैन्युफैक्चर यूनिट है उधर ही जो है डिस्प्ले फैब्रिकेशन के यूनिट बनाने जा रहे हैं। तो ये जो है किसी तरह असेंबल फैक्ट्री नहीं है, सीधा इधर जो है डिस्प्ले को फैब्रिकेशन किया जाएगा जिधर आपको LCD एंड OLED डिस्प्ले मैन्युफैक्चर होते देखने को मिलेगा। ये जो है बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है। एंड जब ये सक्सेसफुली सैमसंग ने कर लेगा, मतलब जब से ये मैन्युफैक्चर होते लाएगा डिस्प्ले, तब जाकर जो है इंडिया में बहुत ही बड़ा एक आपको रेगुलेशन देखने को मिलेगा डिस्प्ले इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज अब जब ये सक्सेसफुली हो जाएगा तब जो है इंडिया में डिस्प्ले मैन्युफैक्चर होते देखने को मिलेगा, तब जो इंडियन लोकल ब्रांड एंड चाइनीज जो मैन्युफैक्चरर है वो जो है जो डिस्प्ले यूज करता है वो ज्यादा से ज्यादा सैमसंग का ही होता है। तो ऑटोमेटिकली सैमसंग का डिस्प्ले और भी चीप रेट में इंडिया में मिलते लाएगा, तो जो है स्मार्टफोन का प्राइस भी काफी आपको चीप होते देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। एंड ये सिर्फ स्मार्टफोन मार्केट के लिए अच्छा न्यूज है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है इसके लिए तो अच्छा साइन है। एंड इसके साथ अगर देखेंगे टेलीविजन एंड लैपटॉप मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है। बिकॉज अब ये जो मैन्युफैक्चर यूनिट या फैब्रिकेशन की यूनिट बनाया जा रहा है इधर सिर्फ स्मार्टफोन के लिए मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा डिस्प्ले, इसका अलावा टेलीविजन लैपटॉप बोली ये सब डिस्प्ले जो है ये भी इधर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव न्यूज होने वाला है इंडिया के लिए। एंड ये जब सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद देखेंगे जो स्मार्टफोन आज के दिन में इंडिया में बनाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा चीज जो है बाहर से इम्पोर्ट किया जाता है, बट तब जाकर देखेंगे काफी कम हो जाएगा ये इम्पोर्ट का जो रेशियो। एंड आज के दिन में अगर आप देखेंगे मैक्सिमम 25-35 की अंदर रहता है हर एक स्मार्टफोन का कंपोनेंट जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है। बिकॉज आप देखेंगे जो मेमोरी मॉड्यूल होता है, डिस्प्ले बोलिए, प्रोसेसर बोलिए, कैमरा बोलिए, हर एक चीज बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इंडिया में जो PCB होता है PCB इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है, इसका अलावा देखेंगे बैटरी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, चार्जर मैन्युफैक्चर, ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो डिस्प्ले जब ये सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर होगा इंडिया में ये तो स्मार्टफोन के लिए तो अच्छा न्यूज होगा। एंड ये जब सक्सेसफुली हो जाएगा उसका बाद देखेंगे काफी सारा और भी ब्रांड जो मैन्युफैक्चर करते हैं डिस्प्ले वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का सोचेगा डिस्प्ले। बिकॉज अब जब सैमसंग इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा ऑब्वियसली और भी ब्रांड जैसा LG भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का बात सोचेगा जब सैमसंग इस तरह का मैन्युफैक्चर करेगा, क्योंकि LG एंड सैमसंग जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है डिस्प्ले मार्केट में। दोनों का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है डिस्प्ले मार्केट में। अगर आप देखेंगे कोई भी आप डिस्प्ले देखिए आपका मोबाइल का, वो ज्यादा से ज्यादा जो है सैमसंग या LG का होता है। और ये जो सैमसंग का डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो नोएडा में बनाया जा रहा है ये इंडिया में सीधा नहीं आया था, क्योंकि सैमसंग के पास काफी अच्छा ऑप्शन था जो था थाईलैंड, वियतनाम एंड मलेशिया। तो ये तीन देश में भी अच्छा खासा टैक्स कॉम्पेंसेशन देगा बोला था, बट इंडिया में जो है बेसिकली PLI स्कीम जिधर आपको बहुत ही अच्छा आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो तो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा UP गवर्नमेंट में भी जो है टैक्स कॉम्पेंसेशन किया ये फैक्ट्री के लिए, तो ये भी सैमसंग के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज था जिसके लिए जो है ये डिस्प्ले मैन्युफैक्चर यूनिट आपको इंडिया में देखने को मिल रहा था। क्योंकि देखिए सैमसंग ने पहले सोचा था वियतनाम में ये यूनिट बनाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया की छोड़कर वियतनाम जाने का एक ही रीजन था, वियतनाम में ऑलरेडी एक आपको मैन्युफैक्चर यूनिट सैमसंग का देखने को मिल रहा है जिधर डिस्प्ले मैन्युफैक्चर हो रहा है सक्सेसफुली। इसके अलावा चाइना में भी मैन्युफैक्चर यूनिट है सैमसंग का 3 एंड साउथ कोरिया में है 9। तो इंडिया में भी ये खाता में नाम लिखा लिया जिधर आपको सैमसंग का डिस्प्ले मैन्युफैक्चर होते देखने को मिलेगा। देखेंगे नियर फ्यूचर सैमसंग जब डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करने लगेगा तो देखेंगे और भी अच्छा अच्छा ब्रांड जो है इंडिया में स्मार्टफोन का डिस्प्ले या और भी तरह तरह का डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करने लगेगा। और जब सैमसंग का ये डिस्प्ले मैन्युफैक्चर यूनिट या जो फैब्रिकेशन यूनिट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जब मैन्युफैक्चर होने लगेगा डिस्प्ले, तब देखेंगे और भी काफी सारा तरह तरह का कंपोनेंट जो है मैन्युफैक्चर होता है, जैसा मेमोरी मॉड्यूल बोलिए, जैसा रैम बोलिए, इंटरनल स्टोरेज बोलिए, ये सब चीज भी इंडिया में मैन्युफैक्चर होने का बात आपको सुनने को मिलेगा। बिकॉज अब रैम एंड इंटरनल स्टोरेज का जो मेमोरी मॉड्यूल है, ये जो मेमोरी मॉड्यूल का जो कॉम्प्लिकेशन है मैन्युफैक्चर का, वो ऑलमोस्ट डिस्प्ले मैन्युफैक्चर का जो कॉम्प्लिकेशन है इस तरह का है। अगर इस तरह का डिस्प्ले मैन्युफैक्चर यूनिट इंडिया में बैन हो सकता है तो ऑब्वियसली आपको जो है नियर फ्यूचर मेमोरी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर होते भी इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड कैमरा मॉड्यूल जो है वो भी हो सकता है आपको नियर फ्यूचर इंडिया में मैन्युफैक्चर होते देखने को मिलेगा। और ये सब चीज अगर सक्सेसफुली इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है तो एक टाइम जाकर देखेंगे इंडिया में 60-70% कंपोनेंट जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है एक स्मार्टफोन के लिए या टीवी के लिए, ये सब के लिए।
आई होप आपका ये वीडियो काफी अच्छा है, हेल्पफुल हुआ। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो में एक छोटा सा लाइक देकर हम लोग ये वीडियो का लाइक करके जो 50 रखा गया और जरूर फिल कीजिए। और कुछ भी जानना है वीडियो रिगार्डिंग और नीचे कमेंट कीजिए, आपको कमेंट कैसे मिल जाएगा। चैनल में नए पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, इस तरह वीडियो को फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर एक नया वीडियो मुलाकात होगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, टाटा बाय बाय। एंड ये वीडियो शेयर करना फ्रेंड कलीग मेंबर फैमिली मेंबर के साथ।